वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं और इस कार्य को करते हुए जो आप सभी का आशीर्वाद अनुभव मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशीर्वाद में आज हमारे बीच हैं आशीर्वाद देने विजेंद्र जी रामपुरा से दिल्ली में और दिल्ली की DTC सर्विस में मतलब सर्विस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका आशीर्वाद और प्यार इतना स्नेह है कि खुद चल के आ जाते हैं यहाँ पे मिलने। तो आज आए हैं और इन अपने विचार और कुछ बताना चाहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो फीस है, हमारी जो सेवा शुल्क है समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, वो है अनुभव। हमारे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जो भी अनुभव है, उन अनुभवों को अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर हम शेयर करते हैं तो उसके प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ेगा। तो इसी कार्य को करने के लिए कि इनको सोशल मीडिया के आज के टेक्नोलॉजी के माध्यम में नहीं बना पाते हैं, कर पाते हैं, तो स्पेशली इतनी दूर से दोबारा ये अपना अनुभव शेयर करने आए हैं। तो आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आशीर्वाद देने आए और अपने अनुभवों को बताने आए। वंदे मातरम जी, गोविंद भाई जी वंदे मातरम, और सुनने वालों को सभी को वंदे मातरम जी। मैं ये भाई गोविंद ने मेरे को मैजिक ऑयल दिया था जी। मेरे को बचपन से मेरे को याद नहीं कब से मेरे को जुकाम रहता है और मेरे को मतलब पंखे में बैठ लू जब भी जुकाम हो जाता था और कान मतलब कान भी बंद हो जाते थे। और मैं इनका वीडियो देखा और मैं वैसे तो मैंने भाई राजीव दीक्षित जी के हजारों वीडियो देख रखे थे, लेकिन मैंने देखा कि एक आदमी जो है इस जब भाई राजीव दीक्षित के नाम को आगे चला रहा था कुछ होगा। मैं मिलने के लिए स्पेशल इनके पास आया तो इन्होंने आते बातचीत करी और मेरा जैसे भी बातचीत हुई फिर उसके बारे में बोले कि क्या समस्या है। मैं कहा मेरे को जुकाम रहता है हमेशा, तो गोविंद भाई ने फिर बोले और मेरा गला खराब रहता है, कहते दो मिनट रुको, अब दो मिनट में ही आपको ठीक कर देते हैं। तो सर मैं ये लेके गया था मैजिक ऑयल और विश्वास करना, जब से मैं लेके गया हूँ ना, मैंने कम से कम 50 आदमी जो भी मेरे को कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, क्या हो गया, जुकाम हो रहा है, कान बंद हो गए, मैं तो ये सुनाता हूँ जी और सूंघ भी नहीं पाते कि उससे पहले कहते भाई साहब हो गया है, एक झटका लगता है ठीक हो जाता है जी। मैं तो इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भाई राजीव दीक्षित जी मार्ग दिखा के गए हैं, हम तो उनके शिष्य ही हैं और ऐसे लाखों हैं। मैं तो कुछ ही नहीं, गोविंद भाई तो जो जितना काम करते हैं मैं तो इनके वीडियो देखता रहता हूँ, कभी जौनपुर में कभी कहीं कभी, और मैं तो इनकी इतनी मतलब हिम्मत समझता हूँ और कितने राजीव दीक्षित जी की वही भाई इनका प्यार और उनका जो भगवान का भी राजीव भाई राजीव दीक्षित का भी वही आत्मा है। 250-300 डेली टेलीफोन सुनना, फिर वीडियो कॉलिंग पे उनको जवाब देना, मतलब कितना काम है जी बताइए। देखिए अगर सब कुछ छोड़ के अगर इसी के लिए लगे हुए, तो मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और भाई राजीव दीक्षित जी मर रहे और गोविंद भाई इसको गंगा को ऐसी बढ़ाते रहे जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस जो मैजिक ऑयल है ना, ये हमने नाम रखा है इस मैजिक ऑयल का, जैसे कई सारे भाई बंधु देखने के बाद उनको इच्छा लगे कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। तो ईमानदारी से बताऊं, इसकी जो इस तेल में जो सबसे मेन गुण है, जो सबसे ज्यादा काम करने वाला है, वो है सरसों तेल की गंध। सरसों तेल की गंध, अगर हम शुद्ध सरसों की तेल अपने सामने अपनी घानी के पास, जिन्हें भी एलर्जी की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, तो वो अपने जीवन में एक काम करें, अपने घर के लिए तेल अपने सामने घानी पे जाएं और जहां पे वो घानी निकल रही होगी, तेल निकल रहा होगा, वहां पे खड़े रहें। अगर ऐसा भी करते हैं तो उनको मैजिक ऑयल के जो फायदे सूंघने से मिल रहे हैं उसके पास खड़े होके मिल जाएगा जिनके पास। तो हमारे शुद्ध सरसों तेल की गंध की वजह से, ऐसे तो इसमें एक एसेंस डला हुआ है, सरसों तेल की गंध डली हुई है और बाकी बहुत सारे तेल हैं जैसे लहसुन का तेल, लौंग का तेल, दालचीनी का तेल, जितने गरम मसाले का तेल, जायफल का तेल, कायफल का तेल, ये सारे तेलों को मिला के करीब 50-60 तरह के तेल, ताकि इसे लगाने के बाद दर्द वगैरह भी खत्म हो, ऐसी किया गया है। लेकिन इसमें जो गंध का जो काम करता है, वो गंध का काम करता है सरसों तेल की एसेंस, तो मतलब एक तरह से सरसों तेल की गंध मिलती है तो उसको मिलाने के बाद। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब सरसों तेल का केमिकल फॉर्म का गंध अगर हमारे शरीर पे इतना असर कर सकता है, तो अगर हम सरसों तेल, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी कि हमारे जितने भी कच्ची तेल निकालने वाले भाई बंधु होते हैं, तेली या तेली बोलते हैं, हमारे यहाँ की भाषा में तेली बोलते हैं, और ऐसे जितने भी सरसों तेल की मशीन लगा के तेल निकालते हैं,
मैंने उनको ऑब्जर्व करा तो पता चला कि वो अपने जीवन में उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार जुकाम वगैरह नहीं होता और उनके बाल भी सफेद जल्दी नहीं होते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वो तेल निकालते वक्त वो अपने फैक्ट्री मतलब जो मशीन होती है वो तेल की घानी जब चल रही होती है तो वहां पे आंख से आंसू तक निकल जाते हैं। जब चौथी घानी जो खल को निकाल के चौथी बार डाल के फिर दोबारा उसकी किया जाता है तो उस वक्त तो वाकई बर्दाश्त से फालतू होता है, वहां पे कोई ठीक नहीं सकता। तो वो जो गंध से जो हमारे शरीर के अंदर से विकार निकलते हैं, जो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, नाक से पानी निकलते हैं, ये एक तरह से हमारे शरीर के टॉक्सिस बाहर निकलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्हें भी एलर्जी की समस्या है, ऐसी कोई समस्या है, तो अगर आपके पास मैजिक ऑयल नहीं है तो आप अपने घर का तेल खुद निकलवाने जाएं और वहां पे खड़े होके आधा घंटा एक घंटा जो समय लगता है तेल निकलवाने में वो निकालवाएं। अगर एक बार जाते हैं 5 लीटर आप तेल निकलवाते हैं, 10 लीटर निकलवाते हैं, 2-4 महीने में फिर जाइएगा। इस तरीके से भी अपने शरीर को एक प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और शुद्ध तेल का तो क्या कहना, राजीव भाई ने पहले ही कहा है कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सारी चीजें बिगड़ रही है तो अगर बात का रोग हो रखा है तो अगर हम सिर्फ तेल को शुद्ध कर लें तो अगर हमारा शुद्ध तेल हो जाए तो हम बात के रोगों से बच सकते हैं। तो शुद्ध तेल का इंतजाम कीजिए, शुद्ध तेल प्राप्त करने का पूरा प्रयास कीजिए। और इसी के साथ मैं मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इनके साथ आप लोगों के साथ भी एक सूचना शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ कार्य करते हुए, क्योंकि पहले मैं जॉब करता था, नौकरी करता था, नौकरी करते हुए कंपनी 2022 में 31 मई को बंद हो गया और उस कार्य को करते हुए मैं अपने इस स्वदेशी चिकित्सा की राजीव भाई की बातों को बढ़ाना चाह रहा था। बंद होने के बाद मैंने दोबारा जॉब पे ना जाके ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का केंद्र खोला जहाँ पे अध्ययन करना और अध्ययन करके जो अच्छी बातें, जो साधारण बातें, जो चीजें होती है जो हर कोई समझ सकता है, उपलब्ध हो सकती है, उन बातों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीनी स्तर पर। और इसी के साथ शुद्ध तेल, क्योंकि मैंने पीछे तेल के ऊपर भी काम करने लगा तो मैंने कहा शुद्ध तेल के लिए तो हाइड्रोलिक मशीन आती है, हाइड्रोलिक मशीन जिसपे हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा हम तेल निकालेंगे तो एक जस्ट लाइक ये जो कच्ची घानी का जो तेल होता है उसके जैसा तेल निकलेगा। तो उस मशीन को भी हम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कि भाई हमें परिवार भी है उसके लिए भी दो चीज़ें, तो कुछ चीज़ें आप तक शुद्ध पहुंचेगी और हमारा परिवार का पालन भी होगा। तो इस तरीके के प्रयास में भी हमने ये प्रयास निर्णय लिया है, आप लोगों के आशीर्वाद से हो सकता है बहुत ही जल्द वो चीज़ पूरी हो जाए। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव भाई।